हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 18 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीज बेस्ट एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, कोहेसन टेंशन थ्योरी या प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो वाटर का मूवमेंट देखिए दो टाइप का होता है, एक प्लांट की रूट हेयर से सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम तक, जिसे हम कहते हैं रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर, वो किसके थ्रू होता है हमारा, आइदर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट मीन्स पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वो होती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा आयन का मूवमेंट होता है, लेकिन जो हमारा वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम वेस्कुलर सिस्टम या जाइलम टू लीव्स, वो किसके थ्रू होता है हमारा, कोहेसन टेंशन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन होता है। और ये टोटली प्रेशर डिपेंडेंट होता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है वाटर मूव करेगा जाइलम से सेंट्रल सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम से लीव्स तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हचिंसन रिवाइज्ड हिज ओन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1959। अगला है, इन गैमेटोफाइट फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज, ब्रायोफाइट में दो अलग अलग फेजेज होती हैं, एक गैमेटोफाइट जो कि गैमेट प्रोड्यूस करती है और दूसरा स्पोरोफाइट जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट होती है और लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन को हम कहते हैं गैमेट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम रूबिस्को। रूबिस्को हमारा कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन रूबिस्को की एक्टिविटी को स्टिमुलेट नहीं करेगी, तो वो करेक्ट आंसर है डी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। इसका रूबिस्को की एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डोमिनेटेड द वेजिटेशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग जुरैसिक पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यहाँ पे डिफरेंट एरा को डिफरेंट पीरियड्स में क्लासिफाई किया जाता है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि जुरैसिक पीरियड में कौन से प्लांट डोमिनेंट थे, वो थे साइकेडेल्स ग्रुप के, जिम्नोस्पर्म जिन्हें कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेल विच टेक पार्ट इन द स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तो वो है स्पिरोसोम प्लांट्स में। जबकि एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के स्टोरेज के लिए होता है, ग्लाइऑक्सीसोम जर्मिनेटिंग सीड में हमें देखने को मिलता है, और परऑक्सीसोम फोटोरेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबिन पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शंस। इनमें से कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है इम्यूनोग्लोबिन ई या एंटीबॉडी ई। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, अर्थ समिट कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था हमारा रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर इज ड्यू टू, प्लांट में डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो प्लांट के अलग अलग नए पार्ट्स को डेवलप करते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पर लीव्स एंड फ्लावर कौन से मेरिस्टेम से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है इंटरगैलरी मेरिस्टेम। जबकि लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ डायमीटर में इंक्रीज करता है, और एपिकल मेरिस्टेम उसकी लेंथ इंक्रीज करता है रूट और स्टेम की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंटरगैलरी मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज, नॉर्मन बोरलॉग। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एंडोथीसियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंडोथीसियम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जब हम एंथर का टीएस सेक्शन कट करते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट लेयर मिलती हैं, जैसे एपिडर्मिस, एपिटम, एंडोथीसियम और स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे एंडोथीसियम जो है हमारा वो पोलन के डिहाइसेंस के लिए या एंथर के डिहाइसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, द एजेंट दैट इज यूज्ड टू इन्हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोमेटिक फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, तो वो कौन सा है, पीईजी पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल को हम सोमेटिक फ्यूजन में फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी मोस्ट सक्सेसफुली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए जीन इनटू क्लोरोप्लास्ट जीनोम। अगर हमें किसी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में किसी फॉरेन जीन को इंटीग्रेट कराना है तो वहाँ पे हम पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जबकि अगर हम किसी प्लांट के न्यूक्लियस डीएनए में उसका एक फॉरेन जीन को ऐड करना है तो वो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका करेक्ट इक्वेशन है वो है सी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस वॉज एडॉप्टेड बाई। यहाँ पर जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ था या प्रोटोकॉल हुआ था, उसे कहते हैं हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पैरासेक्सुअलिटी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन, पैरासेक्सुअलिटी किस फंगस में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, वो है एस्परजिलस निडुलेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजिनेज एंजाइम इन सम एल्गी मे बी यूजफुल फॉर, ये किसके लिए यूजफुल हो सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लिटमस, इनमें से कौन सा लाइकेन लिटमस का इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है रोसिला टिंक्टोरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, आपको पता है यूकैरियोट में क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिवाइड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन वो वाला है जो डार्कली स्टेन होता है और यहाँ पे जीन हमेशा इनएक्टिव ही रहते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन होता है और यहाँ पर जीन एक्टिव होते हैं। तो इसमें से हेट्रोक्रोमेटिन का करेक्टर कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी, इट इज एसोसिएटेड विद एक्टिव जीन्स, ये हेट्रोक्रोमेटिन का करेक्टर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोपॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी दो अलग अलग तरीके से हो सकती है, एक ऑटोपॉलीप्लॉइड होते हैं प्लांट, एक एलोपॉलीप्लॉइड। ऑटोपॉलीप्लॉइड वो होते हैं जिसमें एक ही प्लांट में उसके क्रोमोसोम सेट का डुप्लीकेशन होता है, जबकि एलोपॉलीप्लॉइड में दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट का हम हाइब्रिड कराते हैं देन उसमें उसके क्रोमोसोम सेट का डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इवनिंग प्रिमरोज ये ऑलोपॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि रेफिनोब्रेसिका ट्रिटिकेल और ट्रिटिकम एस्टिवम एलोपॉलीप्लॉइड के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मेटा जीनोम रिफर्स टू, मेटा जीनोम हम किसे कहते हैं, द कलेक्टिव जीनोम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फेजेज आर रिप्रेजेंटेड बाई द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो इसका करेक्ट आंसर है थ्री। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के सीड्स में तीन अलग अलग फेज देखने को मिलती हैं, इंट्यूबमेंट एंड न्यूसिलस वाली फेज जिसे हम कहते हैं फर्स्ट स्पोरोफिटिक फेज, सेकेंड एंडोस्पर्म जिसे हम गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं, जबकि एम्ब्रियो को हम कहते हैं सेकेंड स्पोरोफिटिक फेज। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाई द बाई ए प्लांट फोजेजिंग, देखिए हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट क्या होती है, जनरली ये हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट में, क्योंकि एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट तक हमें स्पोर देखने को मिलते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में हमें सीड देखने को मिलते हैं। तो हेट्रोस्पोरी का मतलब है दो अलग अलग टाइप के स्पोर, एक मेगा स्पोर एक माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर हमेशा मेल प्लांट बनाएगा जर्मिनेट होने पर और मेगा स्पोर फीमेल प्लांट। तो हेट्रोस्पोरी का मतलब है दो अलग अलग तरीके के सीड, एक छोटा और बड़ा जैसे मेगा स्पोर माइक्रोस्कोप, और सीड हैबिट का मतलब है टेरिडोफाइट से ही सीड हैबिट डेवलप होने लगती है। तो पूछ रहा है ये कौन से टेरिडोफाइट में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है लिग्यूल, लिग्यूल एक इंपॉर्टेंट फीचर है उनका जहाँ पर हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी, जैसे सिलेजिनेला एंड आइसोइड दोनों टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है,
इन हायर प्लांट द रेड एंड फार रेड सेंसरी फोटो रिसेप्टर फाइटोक्रोम इज ए लाइट रेगुलेटेड काइनेज. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ काइनेज डज इट रिप्रेजेंट. तो फाइटोक्रोम में जहाँ पर सिग्नलिंग होती है लाइट का फोटो रिसेप्टर है जो कि, वहाँ पर कौन से काइनेज होते हैं. यहाँ पर होता है हमारा टू कंपोनेंट सेंसर रेगुलेटर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है परमिनरलाइज्ड फॉसिल्स आर. परमिनरलाइज्ड फॉसिल्स हम किसे कहते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल्स को, जिसे हम कहते हैं पेट्रीफिकेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगला है इन विच मॉलिक्यूल वुड बी रेडियो लेबल्ड कार्बन अपियर द अर्लीस्ट व्हेन व्हीट एंड शुगर केन लीव्स आर फेड विथ 14 कार्बन डाइऑक्साइड. 14 कार्बन का मतलब यहाँ पे एक कार्बन का आइसोटोप है जो कि लेबल किया गया है, रेडियो लेबल किया गया है. तो पूछ रहा है कि व्हीट एंड शुगर केन में जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन फिक्सेशन के, वहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें ये दिखेगा. तो यहाँ पे हमारा होगा व्हीट में 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हमें लेबल कार्बन दिखेगा, जबकि शुगर केन में मैलेट में दिखेगा, बिकॉज शुगर केन क्या है हमारा C4 प्लांट है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है जीवन फेज कंटेन विच साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स. आपको पता है सेल साइकिल रेगुलेट होती है साइकिल एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के थ्रू. तो यहाँ पर डिफरेंट फेज में डिफरेंट टाइप के सीडी के एंड साइक्लिन वर्क करते हैं. तो यहाँ पर जो जीवन फेज है सेल साइकिल का, वहाँ पर सीडी के 4 एंड साइक्लिन डी वर्क करेंगे. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द बुक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज इज एडिटेड बाई. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डॉक्टर आर एस परोडा एंड डॉक्टर आर के अरोरा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है द टैपिटम इन एंथर ओरिजिनेटेड फ्रॉम. टैपिटम वो लेयर है जो स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोर्स या पोलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है वाली लेयर, द पैराइटल लेयर एंड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सिट्रस स्पीसीज इज साउथ ईस्ट एशिया. अगला है पोरोगेमी मीन्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल चेलेजा फ्यूनिकुलस या इंट्यूबमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल के थ्रू अगर पोलन ट्यूब एंट्री करती है उसे हम कहते हैं पोरोगेमी, जबकि चेलेजा से एंट्री करती है उसे कहते हैं हम चेलेजोगेमी, और फ्यूनिकुलस या इंट्यूबमेंट कहीं से भी अदरवाइज एंट्री करेगा तो उसे हम कहेंगे मीजोगेमी. अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉन पीसीआर बेस्ड मॉलिकुलर मार्कर. इसमें से कौन सा नॉन पीसीआर बेस्ड मॉलिकुलर मार्कर है, दैट मीन्स कि पीसीआर बेस्ड कौन सा नहीं है. तो वो है हमारा RFLP. यहाँ पे RELP रॉन्ग लिखा है, RFLP होना चाहिए जो है रेस्ट्रिक्शन फेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ये होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन बेस्ड मॉलिकुलर मार्कर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगला है ए जेनेटिक मार्कर इज, पूछ रहा है ए जेनेटिक मार्कर क्या होता है. तो इसका ऑप्शन है सी ए न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस नियर ए पर्टिकुलर जीन नॉन सिक्वेंस का. अगला क्वेश्चन है द क्लाइमेक्स कम्युनिटी या मैच्योर कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. क्लाइमेक्स या मैच्योर कम्युनिटी हम किसे कहते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस इक्वल होता है रेस्पिरेशन के. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ वाटर ब्लूम इन ए लेक इंडिकेट. किसी लेक में फ्रीक्वेंटली वाटर ब्लूम का होना क्या इंडिकेट करता है पूछ रहा है. तो यहाँ पे मुझे दोनों ऑप्शन करेक्ट लगते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वहाँ पर हो जाती है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमें वहाँ पर मिलते हैं. अगला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोफाइट. कौन सा फंजा यहाँ पर सेप्रोफाइट है, वो है अगेरिकस, बाकी पैरासाइट है. अगला क्वेश्चन है द वेल नोन फंजीसाइड बॉर्डेक्स मिक्सर कंसिस्ट ऑफ. तो ये मिलके बना होता है कॉपर सल्फेट वाटर एंड लाइम. यहाँ पर कॉपर सल्फेट एंड सिर्फ लाइम लिखा है, तो करेक्ट आंसर होगा सी. अगला है कोलीफेज साई X174 कंटेन. ये एक
फेज है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लांट पॉलीटिन क्रोमोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई स्ट्रासबर्गर इन 1887। तो वो प्लांट है फ्रिटिलारिया इम्पेरियल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एपोप्टोसिस बिगिन व्हेन। एपोप्टोसिस कब होता है, जब ए डेथ रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन रिसीव द सिग्नल टू डाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द बारा इन ड्रोसोफिला इज द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम एबरेशन। तो ये है डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, इन इफेड्रा माइक्रोस्पोर आर लिबरेटेड फ्रॉम मेल गैमिटोफाइट। माइक्रोस्पोर अलग अलग सेल स्टेज में लिबरेट होते हैं, साइकस स्पाइनस इफेड्रा इन सारे जिम्नोस्पर्म में। तो पूछ रहा है इफेड्रा में कितनी सेल स्टेज में होता है, तो इफेड्रा में 5 सेल्ड स्टेज का माइक्रोस्पोर लिबरेट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई। कैलिप्ट्रा जो स्पोरो कैप्सूल स्पोरोफाइट के ऊपर से लगा होता है वो कॉलुमेला से बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑस्मोटिक पोटेंशियल इफ मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन। देखिए वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है वाटर की फ्री एनर्जी से। ऑस्मोटिक पोटेंशियल हम किसे कहते हैं, जब हम प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमेशा उसका वाटर पोटेंशियल रिड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इवेंट एट द रेप्लिकेशन फॉर्क रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन एक्सेप्ट डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। जो कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, डीएनए रिपेयर में, बाकी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या डीएनए गायरेज डीएनए लाइगेज, ये सारे रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कैरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन होते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा सी, इसका आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, क्वारंटाइन रेगुलेशन आर कंसर्न विथ। प्लांट पैथोलॉजी में क्वारंटाइन रेगुलेशन का मतलब क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज प्लांट इन कंट्री। बाहर की कंट्री से हमारी खुद की कंट्री में डिजीज प्लांट को रोकना, आने से रोकना, उसे हम कहते हैं क्वारंटाइन रेगुलेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन मैच्योर एरोब्लियोसिस एम्ब्रियो रूट एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ सेल डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए एम्ब्रियो एंड एपिकल सस्पेंसर सेल। अगला क्वेश्चन है, कैंडोले क्लासिफाइड द इकोनॉमिक प्लांट इंटू 6 क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो सेक इज ए फीमेल गैमिटोफाइट। एम्ब्रियो सेक को ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट। अगला क्वेश्चन है, फाइटोट्रॉन इज अ डिवाइस इन विच द प्लांट आर कल्टिवेटेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शॉटगन अप्रोच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। शॉटगन अप्रोच हम कहाँ पर यूज करते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक cDNA लाइब्रेरी होती है कि जो कि cDNA से बनता है, कम्प्लीमेंट्री DNA से, जहाँ पर इंट्रॉन वगैरह नहीं होता, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में हमारा पूरा इंट्रॉन एज वेल एज एक्सॉन को हम कंजर्व करके रखते हैं। तो शॉटगन अप्रोच हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी में इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। यूनिफाइड मॉडल ऑफ सक्सेशन वॉज प्रपोज बाई मैकमोहन। अगला है, वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा VAM रिप्रेजेंट ए बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट एंड फंगस, वेयर फंगस असिस्ट प्लांट इन ऑब्टेनिंग विच एलिमेंट फ्रॉम द सॉइल। फंगस कौन से एलिमेंट को एब्जॉर्व करने में
हेल्प करता है, तो उसका आंसर है फॉस्फेट, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में टोटली एब्सेंट रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉस्ट्रॉक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन इज लिंक्ड विद द स्पीसीज ऑफ। एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस। वीप स्मट डिजीज ऑफ सुगर केन इज कॉज्ड बाय अस्टिलागो स्किटामिनिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिज्म दैट कैन कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लीनियज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अगला क्वेश्चन है, इन ए नलिसोम इंडिविजुअल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी। ये है एग्जाम्पल हमारा टोटल एन्यूप्लॉयडी का, जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आइदर रिड्यूस होंगे या इंक्रीज हो जाते हैं। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर में चेंज होता है, ना कि सेट में। तो यहाँ पर नलिसोमी का एग्जाम्पल है हमारा 2n-1, दैट मीन्स डिप्लॉयड सेट में 2 क्रोमोसोम लॉस होना। अगला क्वेश्चन है, द हॉलीडेज इंटरमीडिएट इज ऑल्सो नोन एज एक्स फॉर्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसे हम कहते हैं हॉलीडे जंक्शन, रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइनस जियार्डियाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन। जम्मू हिल्स में हमारा पाइनस जियार्डियाना हमें मिलता है, जबकि कुमाऊं हिल्स में पाइनस रॉक्स पर गई डोमिनेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। इनमें से किस में एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील मिलता है, जहाँ पर जाइलम दोनों तरफ से आउटर और इनर साइड से फ्लोएम से घिरा हुआ होता है, वो है हमारा राइजोम ऑफ मार्सिलियम, हमें कॉमनली देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग। इनमें से फ्लोएम लोडिंग का मतलब क्या है? सुगर आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द सीव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्ट्रेटम। तो उसका एग्जाम्पल है मेलिकोफेरिया एलोंगाटा, इसे हम कहते हैं कॉपर मॉस, जो कि इंडिकेटर है कॉपर रिच सॉइल का। अगला क्वेश्चन है, इन एल्यूरोन लेयर ऑफ ग्रेमेनेशियस प्लांट जैसे मेज, जिब्रेलिन प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ। जिब्रेलिन, वहाँ पर सिग्नलिंग होती है जिब्रेलिन की, वो किसकी सिंथेसिस को प्रमोट करता है या इंड्यूस करता है? अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच सेलुलर ऑर्गेनेल फंक्शन इन राइबोसोम सिंथेसिस। तो वो है न्यूक्लियोलस, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये है 13 फरवरी 1898 हावड़ा। अगला है, यूबिस बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि यहाँ पे जो यूबिस बॉडीज है उसमें स्पोरोपोलिन होता है, जो हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, जो किसमें होता है हमारा पॉलन की वॉल में, एग्जाइन एंड इंटाइन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सेंटिनल स्पीसीज। सेंटिनल स्पीसीज हम किसे कहते हैं? सेंटिनल स्पीसीज आर वेरी सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, स्मिट गेव विच कॉन्सेप्ट ऑफ सूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मिट ने दिया था ट्यूनिका कॉर्पस कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी केम इंटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमारा 1970 में फर्स्ट टाइम आया था, जहां पे पॉल बर्ग को हम फादर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट हैज बिकम इम्पोर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज इट हैज़ आरएनए स्प्लाइसिंग मशीनरी, इट हैज़ प्लाज्मिड, या इट अलाउ द स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। ये सभी करेक्टरिस्ट के हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वॉज प्रपोज बाई फ्रेडरिक क्लीमैन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लॉजिस्टिक इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिस्कवर्ड बाई वेयरहर्स्ट, ये साइंटिस्ट होंगे।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर कॉल्ड राइबो वायरस, पॉक्स वायरस, रियो वायरस या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक क्लास है जहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं, जिसे हम कहते हैं रोटा वायरसेस, और उसका एग्जांपल है रियो वायरस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जबकि राइबो वायरसेस किसे हम कहते हैं, वो सभी वायरसेस जहाँ पर जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है, जैसे कि डिओक्सी राइबो वायरस या डीएनए वायरस या राइबो वायरस। तो राइबो यहाँ पर करेक्ट एग्जाम्पल इसका है रियो वायरस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन रिच एल्गा। तो उसका एग्जाम्पल है स्पायरुलिना। ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय पायरिकुलेरिया ओराइजी। स्टोरेज फूड मैनिटॉल इज फाउंड इन फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे स्टोरेज फूड क्या होता है, डी मैनिटॉल। टू एमिनोप्यूरिन इंड्यूस म्यूटेशन बाय बेस पेयर चेंज। यहाँ पे टू एमिनोप्यूरिन जो म्यूटेशन टाइप का है वो बेस पेयर चेंज से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेस्पेक्टिव हैप्लोइड एंड मोनोप्लोइड नंबर ऑफ हेक्साप्लोइड वीट आर क्या है, इनमें से 21 एंड 7। 21 क्या है, हैप्लोइड वैल्यू, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेक्साप्लोइड वीट ट्रिटिकम एस्ट्रियम में कितना होता है, 42 है, तो उसमें हैप्लोइड में कितने क्रोमोसोम होंगे, 21 होंगे एक गैमेट में। एंड मोनोप्लोइड नंबर कितना होगा, 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हैप्लोइड, आपको पता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लोइड होता है, बिकॉज यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एंडोस्पर्म सिर्फ हैप्लोइड ही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राइनिया मेजर। राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, इसका न्यू नेम क्या दिया गया है साइंटिस्ट द्वारा, एग्लोफाइटोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैस्मोनिक एसिड क्या होता है, सिंथेसाइज फ्रॉम लिनोलिक एसिड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लब मॉस इज ए कॉमन नेम ऑफ लाइकोपोडियम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नॉट ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाइरिडॉक्सिन, जबकि अदर फोटो पीएस सेकेंड एलएचसी एटीपी सिंथेज, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन्स आर फाउंड इन ऑन सेल सरफेस। सेल सरफेस पे ही हमारा एंटीजन होगा और उसे एंटीबॉडी एक्सेप्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है, विच वैरायटी ऑफ राइस इज नोन एज मिरेकल सीड ऑफ राइस। तो इसे IR8 को मिरेकल राइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द क्यूसेंट सेंटर इन रूट मेरिस्टेम सर्व एज द रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल ऑफ मेरिस्टेम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द नॉर्दर्न रीजनल सेंटर ऑफ BSI देहरादून। तो उसका करेक्ट आंसर है MA Rao, ऑप्शन बी। व्हाट इज नीमैक फिनोमिना, नीमैक फिनोमिना हम किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं 8 सेल मेल गैमेटोफाइट जब बन जाता है। जनरली 8 सेल क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, लेकिन कभी कभी मेल में 8 सेल बन जाती है मेल गैमेटोफाइट में, पोलन जब पोलन ट्यूब बनाता है, तो इसे हम कहते हैं नीमैक फिनोमिना। नीमैक एक साइंटिस्ट का नाम था, वहाँ पर उनने देखा था 8 सेल मेल गैमेटोफाइट को, इसलिए इसे कहा जाता है नीमैक फिनोमिना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन सॉल्विंग डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। तो वो है हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू एड्रेस यूजिंग ए नॉर्दर्न ब्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लोकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट इन ए पर्टिकुलर जीन। लोकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू ही पता कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द पॉल्यूटेंट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर बट आर रिलीज्ड इन सस्टेंशियल अमाउंट बाय मैन आर नोन एज क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द टर्म एक्जिलरी एनर्जी फ्लो और एन एनर्जी सब्सिडी वॉज गिवन बाय ST ओडम, ए। अगला क्वेश्चन है, द
द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन मैनी लाइकेंस इज कॉल्ड एज कार्पोगोनियम। देखिए लाइकेन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं हम स्पर्मोगोनियम एंड फीमेल को कार्पोगोनियम, लेकिन कार्पोगोनियम के भी दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक बेसल एस्कोगोनियम ये वाला पार्ट और एक ट्राइकोगाइनी। तो यहाँ पर एस्कोगोनियम भी था इसलिए मैंने यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर टिक कर दिया था, क्योंकि एस्कोगोनियम भी इसका होता है लेकिन यहाँ पर सिंपल पूछा है कार्पोगोनियम के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पर कार्पोगोनियम। अगला क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज बाई सिफेल्यूरस, एक एल्गी होती है जो टी में रेड रस्ट कॉज करता है। पाइथियम इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज, पाइथियम एक ओमाइसिटीज का फंगस है जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है रेड स्नो इज कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन अल्पाइन वेजिटेशन, तो वो है क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज से। अगला क्वेश्चन है जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू रिमेन स्टेबल अनलेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई, इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता बिकॉज मुझे ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो म्यूटेशन सिलेक्शन रैंडम मेटिंग जेनेटिक या रैंडम ड्रिफ्ट दिया है इनका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विल कंटिन्यू, कंटिन्यू कब रहेंगी, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है हमारा हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल से। अगर किसी को करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट में प्लीज़ बताना, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू रिमेन स्टेबल कब होंगी, जब तक क्या नहीं होगा उसमें म्यूटेशन नहीं होगा और मेटिंग रैंडम होती रहेगी, नॉन रैंडम मेटिंग नहीं होना चाहिए और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है मुझे समझ में नहीं आया है। ये क्वेश्चन हमारा हार्डी वीनबर्ग लॉ से है। सो ये है 100 क्वेश्चन पूरा कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 18 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर डाला है 2020 का क्वेश्चन पेपर बॉटनी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।